नमस्कार, मैं हूँ समो समोद की रसोई में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत। आज मैं बनाऊंगी गोभी के परांठे, तो चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। परांठा बनाने के लिए अपन आटा लगा देते हैं। 2 बाउल मैंने आटे का ले लिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, और मैं तो घी डाल रही हूँ, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो, थोड़ा सा घी। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पहले ज़्यादा नहीं डालना। हल्के गुनगुने पानी से आटा लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में गुनगुने पानी से आटा लगाते हैं तो अच्छा लगता है और सॉफ्ट लगता है। वैसे परांठे के लिए आटा सॉफ्ट ही लगाना, अपन को टाइट नहीं लगाना। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के अपन आटा ये डो तैयार कर लेते हैं लगा के। देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिए। थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे। अपने परांठे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको तो मैं एक बाउल में निकाल के रख देती हूँ और इसके मसाला तैयार कर लेती हूँ। तब तक अपना आटा भी रेस्ट हो जाएगा, इसको रेस्ट मिल जाएगा। इसको तो ढक के रख देते हैं। और इसका अब मैंने 500 ग्राम फूल गोभी ले ली थी, इसको अच्छी तरह गर्म पानी से धो के कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। इसका अपन मसाला तैयार करते हैं। गरम होने देते हैं इधर। इसमें 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें थोड़ा डालेंगे जीरा और थोड़ी अजवाइन। इनको हल्का सा भून लेते हैं। और अब डालेंगे थोड़ी सी अदरक आधी इंच के करीब, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये भून चुके हैं, अब ये गोभी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे पहले 1/2 चम्मच नमक, जिसमें थोड़ा बहुत इसमें पानी और हो वो भी अपना सूख जाए। उसके बाद में मसाले डालेंगे। इसको मीडियम आंच पे अपन भून लेंगे, में थोड़ा बहुत पानी और होगा तो वो भी सूख जाएगा। फिर डालेंगे अपन मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हाँ, थोड़ा मसाला तीखा ही बना रही हूँ मैं तो 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और 1/2 चम्मच नमक और डालेंगे। पहले अपन ने 1/2 चम्मच डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इन सबको मिक्स कर लेंगे, और आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। अगर चाट मसाला, गरम मसाला वो भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, पसंद हो तो आपको। इसको थोड़ा अच्छी तरह और भून लेंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह गोभी के अंदर मिक्स हो जाए। मेरी वीडियो पे दोस्तों आप न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिस आपको मिलता रहे। अब इसको 2 मिनट के लिए और अपन भून लेंगे। अपना मसाला अच्छी तरह भून चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इसमें डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और गैस को कर देती हूँ बंद। अब बनाएंगे अपन इसके परांठे। देखिए अपना मसाला भी अच्छी तरह ठंडा हो गया और अपना आटा भी अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो चलिए अब परांठा बनाना चालू करते हैं। गैस ऑन कर दिया, एक पैन गरम होने के लिए रख दिया मैंने। इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं, छोटी बड़ी आप अपने साइज के अनुसार तोड़ सकते हो, इसे चाहिए आपको। इसको थोड़ा सा आटा डाल के थोड़ी सी बेल लेते हैं। इसमें मसाला भर लेंगे, फोल्ड कर। ऐसा मसाला बनने से अपना पूरे परांठे में मसाला आ जाता है। और अभी जो ऊपर का बाकी बचेगा इसको तोड़ लेंगे आटे को, और इसको वापस राउंड गोल गोल घुमा लेंगे और थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, पूरे में मसाला अपना आ जाए।
अच्छा सा आटा लगा के उसको हल्के हाथ से बेल लें। पैन भी अपना गर्म हो गया है, हम इसको सेक लेंगे। अपन चेक कर लेते हैं, ये देखिए अपना परांठा इस साइड से सिक गया है। अब इसके ऊपर अपन लगा देंगे घी। आप तेल में बनाना चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं परांठे। साइड से पलट के इस साइड से लगा दें। इसको अच्छी तरह सेक लेंगे जब तक ये करारा हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए अपना इस साइड से कितना अच्छा सिक्का है, उस साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। इसको आप दही के साथ, अचार के साथ, रायते के साथ, जो मर्जी है वैसे आप खा सकते हो। दोनों तरफ से सिक गए हैं, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी भी ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए सभी परांठे बने बना के तैयार कर लिए हैं।